रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। मोदी सरकार के पहले बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आने पर लोगों में गुस्सा है। हालांकि लोगों को इस बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की कतई भी उम्मीद नहीं थी, जिस कारण अब लोगों में केंद्र सरकार के प्रति गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 2.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं हमीरपुर में कुछ लोगों की इस पर उनकी राय। मोदी सरकार के पहले बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आने पर लोगों में गुस्सा है। हालांकि लोगों को इस बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की कतई भी उम्मीद नहीं थी, जिस कारण अब लोगों में केंद्र सरकार के प्रति गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 2.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। हमीरपुर में कुछ लोगों से जानी इस पर उनकी राय। पेट्रोल पंप के संचालक का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने पर अब पेट्रोल पंप मालिकों को भी घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले ग्राहक ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाते थे वे कम पैसों में तेल डलवाएंगे। पता है कितना नुकसान होता है, जैसे रेट बढ़ने से, रेट बढ़ता तो हमारा जी 400-500-700 लीटर तक पेट्रोल मतलब डीजल कम होता है हमारा सेल, और जो पेट्रोल है वो 400 के करीब हमारी कम सेल होती है। कैसे, क्योंकि जो बेचारा 150 का डलाता है पेट्रोल, उसने 100 का डलाना, 100 का 50 का डलाता है तेल, हमें बड़ा नुकसान होता है उसमें। जैसे हमारा टैंक मान लें अब कमीशन तो हमें उतनी मिलेगी, और जैसे टैंक हमारा 12 लाख का आता था अब 16 लाख लगे, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कमीशन तो उतना लगेगा उसमें। हमें इसमें नुकसान होता, फायदा नहीं है इसमें कोई भी ना सर। नहीं, हमें कुछ कोई मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कोई भी हमें इतना रेट बढ़ सकता है। वहीं लोगों का कहना है कि मोदी सरकार से इस बजट में ऐसी कतई भी उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, इससे महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम जनता को परेशानी होगी। क्योंकि जो ढलाई वाले जिनका रोज का काम है उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ये। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। सस्ता होना चाहिए, यही कैसा था ऐसे कि इतना ज्यादा हाइक होगी, अनएक्सपेक्टेड। क्या आगे क्या उम्मीद है सरकार? चलो गवर्नमेंट कोशिश करेगी थोड़ा रेट को थोड़ा लो करिए। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ों रेट पर? हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज़ कॉस्टली होगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सारा कॉस्टली होगा, बेस जो भी है। बुजुर्ग ने बताया कि तेल के दामों की बढ़ोतरी का पता नहीं था, लेकिन एकदम से ही 2 से 2.5 रुपए दाम बढ़ाना गलत है, क्योंकि इससे लोगों के रोजमर्रा की चीजें भी अब महंगी होंगी। वो तो बहुत गलत हुआ, इसके क्या कर सकते हैं। खर्चे महंगाई बढ़ेगी, हमारे खर्चा बढ़ जाएगा, और क्या होगा। तो आज ही लगा पता डाल रहे थे। तो क्या मानते हैं कि इससे महंगाई होगी नहीं होगी? नहीं तो होनी होनी जी। उम्मीद थी आपको बजट में इतना बढ़ जाएगा तेल पेट्रोल? नहीं नहीं थी, हमने तो सोचा कि कम होगा, ये तो बहुत बढ़ गया, अब तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमने तो ये सोचा था, मैं बींग एक कर्मचारी रिटायर हूँ, पेंशनर हूँ, मैंने ये सोचा था, हमने मोदी को वोट दिया कि ये बराबर ले आएगा सब कुछ, टैक्स के बारे में सोचेगा, ये पेट्रोल डीजल के 100 का डलवाया, अभी मैंने 200 को डलवाता था, क्या करना है, इतनी महंगाई कर दी, कुछ नहीं सोचा पब्लिक के बारे में, ऐसे डींगे हाँचते हैं, सब जुमलेबाजी है।